यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाए सबसे पहले सबसे आगे। माँ सतबहिनी झरना तीर्थस्थल दो भागों में बंटकर यह करना काफी अफसोसजनक है। पूर्व समिति की दो गलतियों के कारण इस स्थल पर आज तक विवाद है। वहीं इस वर्ष भी उनकी दो गलतियों के कारण दो भागों में बंटकर यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। यह बातें झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा गठित यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह व सचिव राणा गुड्डू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि सतबहिनी में सभी विवाद का जड़ पूर्व कमेटी ही है। प्रिय रंजन सिन्हा द्वारा लगातार 18 वर्षों से कहा जाता रहा है कि समिति का एकमात्र उद्देश्य सतबहिनी का विकास करना है, इसलिए हर वर्ष निर्माण यज्ञ कराकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाता है। जब मंत्री जी इस स्थल का विकास करना चाहते हैं तो फिर गतिरोध क्यों? लोगों का वर्षों का सपना 22 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास से पूरा भी हो गया। मां सतबहिनी झरना तीर्थस्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा भी मिल गया। अब इस स्थल का चहुंमुखी विकास होगा। करोड़ों रुपए पर्यटन विभाग द्वारा इस स्थल के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। पूर्व समिति द्वारा विगत एक वर्ष से माननीय मंत्री विधायक प्रतिनिधि अजय कुमार सिंह व मेरे विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया, पर मैंने मान सम्मान की खातिर उन लोगों के विरुद्ध मुंह तक नहीं खोला, किंतु अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए सतबहिनी व इससे जुड़े लोगों को भी दो भागों में बांट दिया। इस स्थल के विवाद को पाटने के लिए मैंने दो दर्जन बार पूर्व कमेटी के लोगों से बात की, परंतु उनकी हठधर्मिता के कारण मामला सुलझने के बजाय उलझता ही चला गया। वहीं मंत्री जी चाहते हैं कि दोनों कमेटी के लोग एक साथ बैठकर सभी बिंदुओं पर बात करें, संशोधन के लिए तैयार भी हैं, किंतु पूर्व कमेटी के लोग अपनी आन बान शान की खातिर सब बेकार कर दिया। वहीं सचिव गुड्डू सिंह ने कहा कि अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। यज्ञ में प्रतिदिन भंडारा चल रहा है जहां हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किस उद्देश्य से कर रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है, एक वर्ष से हम जो थे पूर्व कमेटी का इज्जत में चुप रहे, अब कुछ बताना हमारी मजबूरी हो गई, ताकि पूर्व कमेटी ने अलग जब ध्यान दिया है। ये तथाकथित कमेटी इस बात की चर्चा करती है कि मंत्री जी गलत किए, ये किए, वो किए ना। यह विवाद पूर्व कमेटी पिछले साल खीर के दिन, छठ खीर के दिन ही समाप्त हो गया होता। मंत्री से हमने फोन पर बात किया था, मंत्री जी वादा किए, दोनों जो विवाद था ये रुपया चुप्पे से कमेटी बना लिए, क्या क्या लोग बोलते रहते हैं नाम से बना लिए। मंत्री जी ने ये बात अपने मुंह से बोला कि हम बैठ के आते हैं, कमेटी के विस्तार करेंगे और लिखित में ट्रस्ट में लगा देंगे कि प्रधान विधायक ही विधायक क्षेत्रीय विधायक ही ये रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो कि ये पूर्व कमेटी इस बात को मानने से इनकार कर दो, तो पूर्व कमेटी मानने से इनकार कर रही है सर। वर्तमान में आपका सर जो भी पावर है अच्छा है, मतलब आपको व्यवहार भी है, तो बुलाकर कुछ बताते हैं कुछ मतलब ऐसे कुछ आप उनसे उद्देश्य ले सकते हैं क्या, मतलब क्यों आने रहा बैठक वगैरह? पूर्व कमेटी को कुल मिला के राजनीत करनी है ना, कुछ पिछले पूर्व कमेटी का पिछले वर्ष का दो गलती ये आज विवाद को हल नहीं होने दिया। जो एक गलती पूर्व कमेटी बैठ के इसका हल नहीं करना चाहिए, दूसरा था कि पूर्व कमेटी छठ के दिन जग के दिन नहीं चढ़ने दिया मंच को, मंत्री जी को, जो हमारे पूर्व कमेटी के उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने मंत्री जी को यज्ञ में आमंत्रित किया था, और यज्ञ में केवल उनको उन्हें बैकवर्ड नेता समझ के भी शायद नहीं चढ़ने दिया गया, या पूर्व कमेटी की क्या मंशा रही और राजनीति की ये थी। बाबू नरेश बाबू तो यहाँ तक बोल दिए कि पैसा उनके द्वारा लगेगा तो लोगों को झुकाव हो जाएगा, मतलब वहीं से समझ में आ गया कि राजनीति कहती है पैसा नहीं लगने जा रहा राजनीति है। जबकि पूरे कमेटी का एक ही मिशन था कहीं से दूर विकास हो,